आयरा रो रही है, उसको ले आऊं? हाँ रो रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ स्टाइल विद नशवा। सो आज का व्लॉग जो कि काफ़ी दिनों के बाद मैंने शूट किया है, आज हुआ ये था कि जो मैंने लास्ट अपना व्लॉग लगाया, वो व्लॉग लगाने के बाद और साथ साथ मैं न्यू व्लॉग भी शूट कर रही थी और साथ साथ उस व्लॉग को एडिट भी कर रही थी जो मैंने लगाया था। तो हुआ ये कि रात को जब मैं आयरा को सुला रही थी, आयरा बहुत नॉटी मूड में थी और रात को सुलाते हुए इसने मेरा मोबाइल जो था वो नीचे फेंक दिया और मोबाइल चलते चलते एकदम बंद हो गया। और जब मैंने मोबाइल चेक किया, उसका कवर उतारा, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल ठीक थी, मोबाइल की स्क्रीन नहीं टूटी थी, जब मैंने देखा कि मोबाइल क्यों नहीं चल रहा, ऑन ही नहीं हो रहा, तो मोबाइल मेरा पीछे से टूट गया था। और उसको जब चेक करवाया तो उसका पूरा प्रोसेसर डैमेज हो चुका हुआ था। और जब सर्विस सेंटर लेकर गए मोबाइल का, जो मेरा मोबाइल था उसके सर्विस सेंटर में गए, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। वो पैसे इतने थे कि उसमें अच्छा खासा नया मोबाइल आ सकता था। तो फिर काफ़ी दिन वेट किया, फिर हफीज़ सेंटर मोबाइल दिया ठीक होने के लिए कि शायद उनसे ठीक हो जाए किसी तरीके से, पर मोबाइल नहीं ठीक हुआ। फिर काफ़ी वेट के बाद जो था, फिर मैं अपना एक पुराना फ़ोन यूज़ कर रही थी जो मैंने आजकल आयरा को दिया होता है, तो वो मोबाइल मैंने यूज़ किया। फिर उसके बाद इसलिए मैंने कोई व्लॉग वगैरह उस मोबाइल से शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसका मोबाइल वैसे तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका कैमरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था कि मैं उससे कोई व्लॉग शूट करती। यूट्यूब शॉर्ट के लिए मैंने कुछ ट्राई किया था कि मैं उससे शूट करूँ, वो शायद पड़ा होगा उसके अंदर, लेकिन मैंने नहीं ज़्यादा नहीं कुछ भी शूट किया। और अब आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे थोड़ा गला ख़राब और बुखार वाली फीलिंग है, गला दर्द कर रहा है कल से बहुत ज़्यादा, और मैंने अभी मेडिसिन खाई थी। अभी सिर्फ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जवाब के काम के लिए मैं जवाब के साथ बाहर आई हूँ, और मैंने कल फ़ोन लिया है नया, माशाल्लाह। अब अल्लाह करे कि मोबाइल आयरा के हाथ ना लगे और ये बिल्कुल ठीक चलता रहे, जब तक मैं इसको चलाना चाहूँ ये तब तक जाए। और वो मेरा मोबाइल इतना मुझे पसंद था, इतना अच्छा मोबाइल था वो कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। उसका कैमरा रिजल्ट बहुत ही कमाल था, कैमरा रिजल्ट इसका भी नो डाउट बहुत अच्छा है, मैंने सेम कंपनी का ही मोबाइल लिया है। तो देखते हैं अब आगे। तो अब इस वजह से मैंने आज व्लॉग शूट किया है, और ये व्लॉग, ये क्लिप मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग, यहाँ से मेरा व्लॉग स्टार्ट होगा और उसके बाद जो मैंने जो लास्ट डे था उस मोबाइल का, जो मैंने लास्ट शूटिंग की थी उस मोबाइल से, वो क्लिप्स अब आके आप देखें मैंने क्या शूट किया था उस मोबाइल से। और वो एक पिक्चर मैंने जो अभी आप देखेंगे आगे, वो लास्ट पिक्चर मैंने उस मोबाइल से ली थी। और मैंने उस दिन नहा कर, मतलब खाना वगैरह बनाया, फिर नहा कर मैंने नया ड्रेस पहना और मैंने वो लास्ट पिक्चर उससे ली थी। तो अभी मैं जवाब के साथ काम से जा रही हूँ, मैं वो काम कर लूँ, फिर मैं घर जाऊँगी और मैंने रेस्ट करना है, दवाई खानी है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही है। मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं करूँगी आज, मैं इस व्लॉग को यहीं पे बस एंड करके, एडिट करके मैं रात तक इस व्लॉग को लगा दूँगी। और मेरा सिर्फ मैंने व्लॉगिंग के लिए मैंने इतना महंगा और न्यू मोबाइल लिया, वरना मैंने बिल्कुल भी मोबाइल नहीं लेना था। अभी मैं पुराना मोबाइल भी चला सकती थी अगर मैं व्लॉगिंग ना करती होती तो, इसलिए जो है आप लोग मेरी डिवोशन को देखते हुए जो है ना, मेरे चैनल को लाजमी अपने सब्सक्राइब करना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब आप बाकी क्लिप्स देखें और एंडिंग मैं यहीं पे ले रही हूँ व्लॉग की, लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अब आप वो लोग देखें और वो ही बस वहीं पर एंड हो जाएगा व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। वेलकम टू लाइफ स्टाइल विद नशवा एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। सो आज आपको कुछ शोर आ रहा होगा क्योंकि मैंने कुकर ऊपर रखा हुआ है और मैं आज बहुत ही घरेलू लिए भी हूँ, क्योंकि मैंने बालों पे ऑयल लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे बाथ लेना था, शावर देना था, तो मैंने कहा कि हेड वॉश से पहले ना अब ऑयल जरूरी है, क्योंकि ईद के दिनों में इतना शैम्पू किया है ना तो बाल बहुत अजीब से हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं शावर ले लूँगी। और मैंने आज ब्लॉग इससे स्टार्ट किया क्योंकि मैं बना रही हूँ बीफ पुलाव यखनी वाला, तो मैंने ये यखनी ऊपर चढ़ाई थी क्योंकि बीफ है और क्योंकि अब डिनर का टाइम नज़दीक हो रहा है, 6:30 हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो प्रेशर में मैं जैसे उसकी यखनी तैयार कर लूँगी, गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा, यखनी भी रेडी हो जाएगी, और सारा मसाला वहाँ पर कट करके, लहसुन अदरक हरी मिर्ची प्याज टमाटर सब काट के रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं बनाऊँगी पुलाव, और साथ में मैंने एयर फ्राई के अंदर अभी थोड़े से वो
चिकन पॉपर्स और वो पॉपर्स और वो नगेट्स रखे हुए हैं साथ में, वो रखी हुई है चाय पैन में और तो सब कुछ साथ साथ हो रहा है। आयरा सो रही है, अभी वो उठेगी, उसको खाना खाना खिलाऊंगी, साथ ये सब कुछ चल रहा है आज। फिर जब मैं सब कामों से फ्री हो जाऊंगी सुकून से, फिर मैं आराम से सुकून से नहाऊंगी और रिलैक्स करूंगी और खाना खाऊंगी। और बीफ पुलाव का मेरा दिल कर रहा था, इतने दिनों से दिल चाह रहा था खाने को कि बस, क्योंकि अफ्तारियाँ कर करके इतना ज़्यादा जो है ना, एक मिनट जी, तो मैं कह रही थी कि अफ्तारियाँ कर करके ना अब दिल कर रहा है कि घर के वो खाने खाए जाएँ जो हम लोगों ने मिस किए हैं, नरम सा जो हाथ से बोटी रेशा रेशा हो जाए, मतलब कि मज़े का प्लान नहीं होता। इमेजिन तो मैंने वैसा किया हुआ है, दिल भी वही चाह रहा है, क्रेविंग भी उसी की हो रही है। अब देखें वो बनता कैसे, क्योंकि बीफ पुलाव मैंने बहुत कम बनाया है। बिरयानी एक्सपर्ट मैं हूँ लेकिन पुलाव एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, सिर्फ मेरी अम्मी है और जवाब को मेरे से वही कंप्लेन रहती है कि वो कहते हैं आंटी से पुलाव सीखो, अपनी अम्मी से पुलाव सीखो बनाना। हालांकि मुझे रेसिपी भी पता है लेकिन हर हाथ का एक अलग टेस्ट होता है। हाथ से ये देखें मेहंदी की क्या हालत हो गई, और हाथ इतना अजीब लग रहा है ना। लेकिन चूड़ियाँ मैंने अभी नहीं उतारी, चूड़ियाँ मुझे ये इतनी अच्छी लग रही है ना, ये वाइट में साथ ये इस तरह से की हुई। तो चले मैं आपसे बात में मिलती हूँ। ये सारा मैंने मसाला कट करके रखा हुआ है, प्याज टमाटर हरी मिर्चें, क्योंकि पुलाव में लाल मिर्च की बजाय हरी मिर्च अच्छी लगती है, काली मिर्च अच्छी लगती है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब मैं देखती हूँ साथ साथ मेरा जो एक व्लॉग रहता है, छोटा सा व्लॉग है, वो साथ साथ मैं एडिट कर रही हूँ जी। तो ये हो गए हैं एयर फ्रायर में नगेट्स रेडी, ये चाय का कावा और यखनी का मैंने प्रेशर बंद कर दिया है, और इस साइड पे मैंने ये दूध और सुकरार इसमें डाल ली है, और नीचे वाली आंटी भी आ गई हैं। अब देखते हैं चाय उनके लिए बचती है या नहीं बचती, या फिर मैं सेक्रीफाइस करूँगी, तो ये मैं आपको बाद में बताती हूँ जी। तो चाय सेशन वगैरह हो गया, तो अब मैं आ गई हूँ यखनी की तरफ, अब मैं आपको दिखाती हूँ यखनी की लुक जी। तो माशाल्लाह से ये यखनी वाला गोश्त है जो कि मैंने सेपरेट कर लिया है इसको, ताकि मैं इसको फ्राई कर सकूं, और जो ये अदरक के पीसीज होंगे ना, ये मेरी अम्मी की टिप है, अम्मी यही वाला अदरक और जो लहसुन होता है कूट कर डालती हैं, सेपरेट भी है लेकिन जो इसका फ्लेवर आएगा ना चावलों में वो अलग ही होगा। तो वो मैं लहसुन भी इसमें से निकाल लूँगी यखनी में से, और इसको हम फिर करेंगे फ्राई। और ये प्याज यहाँ पर फ्राई हो रहा है, और ये आयरा का खाना भी गर्म हो गया है, इसको भी मैं कर देती हूँ। चलें अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। मैं प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं करती होती, मैं बस इस तरह से ही, बस कहते हैं ना मोटा मोटा बताती होती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, जस्ट व्लॉग के लिए। लेकिन प्रॉपर रेसिपी बाद में शूट करूँगी मैं, जब कभी मुझे बाद में मौका मिला या आप लोगों ने फरमाइश की तो, अदरवाइज़ नहीं मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगी जी। तो ये मसाला हमारा तैयार हो गया, मैं इसके अंदर यखनी ऐड करने लगी हूँ, चावल भी हुए हुए हैं, जैसे ही उसमें उबाला आएगा फिर मैं चावल ऐड कर दूंगी इसके अंदर, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक ही दिखाऊंगी। अभी स्टीम की वजह से पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं, बहरहाल मसाला अच्छे से रेडी हो गया है।